वो जो भी बिग थ्री या बिग फोर समझे कि न्यूजीलैंड भी उस तरह से ऊपर आ गया है कि अब वो इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ये एक ग्रुप है, तो आई थिंक कि वो वहाँ पे भी इस ग्रुप ने भी थोड़ी सी एक्टिवेशन दिखाई होगी। और अब जैसे इंग्लैंड वाले भी ये कह रहे हैं कि हम भी आपको विद इन 24 आवर्स और 48 आवर्स हम आपको बताएंगे कि हमने आना है कि या नहीं आना। यहाँ पर कीड़े मकोड़े नहीं बसते हैं, यहाँ पर भी इंसान बसते हैं, खेलते हैं और उनकी भी कोई फीलिंग्स हैं, सिर्फ वेस्ट की फीलिंग्स नहीं है। फिर 13 सितंबर को मैच शुरू होने से चार दिन पहले अच्छा एडिशनल आईजी रावलपिंडी ये सर्कुलर जारी करते हैं, और वो सर्कुलर सोशल मीडिया पर कैसे आया है? उसमें ये कह रहे हैं कि जनाब न्यूजीलैंड की टीम को खतरा है। 4 दिन पहले हमारे लोगों के लिए कोई इंटरटेनमेंट नहीं है, ना पार्क में जाते हैं क्योंकि खतरा है, ना खेलों के मैदान में जाते हैं क्योंकि खतरा है, ना इंडोर गेम्स होते हैं क्योंकि खतरा है, ना फिल्म देखने जाते हैं क्योंकि खतरा है। हेलो फ्रेंड्स, सपना हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के पाकिस्तान से जाने के बाद पूरे पाकिस्तान में मातम का माहौल है, और साथ ही साथ अब एक बुरी खबर और भी आ गई है पाकिस्तान के लिए। इंग्लैंड टीम ने 24 घंटे का टाइम दिया है पाकिस्तान को कि हम अब सोच के बताएंगे हम पाकिस्तान का दौरा करेंगे या नहीं। इसको सुनने के बाद पूरे पाकिस्तान का मूड और भी ख़राब हो चुका है, और वो ये कह रहे हैं ये बिग थ्री की साजिश है जिसमें इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। और इससे पता चलता है पाकिस्तानी मीडिया इस समय पूरा कन्फ्यूज़ है और उसे समझ में नहीं आ रहा क्या करे। उसे चारों तरफ खाली साजिशें नज़र आ रही हैं और वो सोचे सारी दुनिया मिलके हमारे खिलाफ प्रोपागेंडा करे जिसकी वजह से पाकिस्तान में कोई भी क्रिकेट ना हो। और साथ ही साथ दूसरे वीडियो में ये भी बता रहे हैं किस तरीके से रावलपिंडी के पुलिस अफसर ने पहले ही बता दिया था न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के ऊपर खतरा है, इस वजह से ये सारी स्थिति बनी है। और ये लेटर पूरे सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। पाकिस्तान मीडिया की बात से ये पता चलता है न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के ऊपर वाकई खतरा था जिसकी वजह से न्यूजीलैंड टीम ने ये दौरा रद्द किया है। इसमें कोई साजिश नहीं है क्योंकि इनके खुद के एंकर ही बता रहे हैं कि न्यूजीलैंड टीम के ऊपर खतरा था और ये लेटर वायरल हो चुका था। आइए इस वीडियो को देखते हैं। आपको लगता है कि हमने बड़े मौसर अंदाज में रिस्पॉन्ड किया है या अब हमें डिफेंसिव जो हमारी पॉलिसी है उससे बाहर निकलकर इसके ऊपर वाकईतन वो रिएक्शन देना चाहिए कि यहाँ पर कीड़े मकोड़े नहीं बसते हैं, यहाँ पर भी इंसान बसते हैं, खेलते हैं और उनकी भी कोई फीलिंग्स हैं, सिर्फ वेस्ट की फीलिंग्स नहीं है। आकिब जावेद भाई, देखिए उसमें आप क्या कर सकते थे। एक तो आप गवर्नमेंट लेवल के ऊपर यू नो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो उनकी प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनसे बात की, उनको श्योरिटी देने की कोशिश की कि हम आप सिक्योर करेंगे, देयर इज़ नो सच थ्रेट के जो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। उसके बाद क्रिकेट बोर्ड ने उनके चीफ एग्जीक्यूटिव से बात की तो उन्होंने भी बात नहीं सुनी। उसके बाद यकीनन यहाँ भी जो उनकी मैनेजमेंट है उनको भी समझाने की कोशिश की, फिर उनको कहा कि आप बगैर इन तमाशाइयों के, बगैर क्राउड के आप खेल लो, आपकी और सिक्योरिटीज़ हम बढ़ा देते हैं। बट आई थिंक वो ऑलरेडी जो एक उनकी कम्युनिकेशन हो चुकी थी उसके बाद वो किसी बात को लेके वो सुनना ही नहीं चाहते थे, तो इसलिए आज वो चले गए। और आई डोंट थिंक के अगर इतनी सिक्योरिटी में, देखिए अभी जितने भी डेलीगेट्स थे फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन जो आपके डेलीगेशन जितने भी अफगानिस्तान से, वो इसी इस्लामाबाद के शहर में आए और वहाँ बिल्कुल महफूज हो के अपने अपने मुल्कों को चले गए। सो आई डोंट थिंक के एक छोटी सी थ्रेट अगर है भी तो वो सबोटेज कर सकती है किसी भी मुल्क की यू नो सिक्योरिटी को, इतना बड़ा चैलेंज कोई कर सकता है। सो आई थिंक इसके थोड़ा सा अगर और इसकी क्रिकेटिंग साइड के ऊपर जाएं तो अभी पिछले ही साल जो ICC के चेयरमैन बने हैं जी वो भी न्यूजीलैंडर हैं और न्यूजीलैंड के चीफ एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं, तो उसकी जो वोटिंग जब हुई थी तो उसमें पाकिस्तान उस ग्रुप में था जो कि जो न्यूजीलैंड के जो अभी जो इलेक्ट हुए हैं चेयरमैन उनके हक में नहीं थी, तो वो जो एक ग्रुप था वो जो अभी भी बिग थ्री या बिग फोर समझे कि न्यूजीलैंड भी उस तरह से ऊपर आ गया है कि अब वो इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ये एक ग्रुप है, तो आई थिंक कि वो वहाँ पर भी इस ग्रुप ने भी थोड़ी सी एक्टिवेशन दिखाई होगी। और अब जैसे इंग्लैंड वाले भी ये कह रहे हैं कि हम भी आपको विद इन
24 आवर्स और 48 आवर्स हम आपको बताएंगे कि हमने आना है कि या नहीं आना। तो ये उस सतह के ऊपर भी पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश की जा सकती है, और बाकी जो इंडिया पाकिस्तान और ये जो चीज़ें चल रही हैं पॉलिटिकली वो तो चलेंगी, बट इसको अब आगे लेके चलना कैसे चाहिए पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, फॉरेन ऑफिस डिप्लोमेसी करें, इंटरनेशनल फोरम के ऊपर मेक श्योर करें कि वो जो थ्रेट अलर्ट है उसको उस जो जित लेवल की जितने लेवल की भी थी उसको उसकी की तहकीकात करके उसको निकाल लें, उसके ऊपर फिर अपना केस बिल्ड करें इंटरनेशनल यू नो पॉलिटिकल फोरम के ऊपर भी, और पीसीबी भी उसी की बेस के ऊपर आईसीसी में जाए, और जो भी पाकिस्तान को एक तो देखे इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि जो 2009 के बाद पाकिस्तान इतने साल एक कीमत भरी एक नुकसान उठाया जिसमें आपकी यू नो टीमें नहीं आई, आपको बहुत नुकसान हुआ, पैसे का नुकसान हुआ, लोगों को अपने मुल्क में क्रिकेट देखने का मौका ना मिला, पाकिस्तान का जो इमेज है पूरी दुनिया में ख़राब हुआ, और इतनी मेहनत के बाद जब यू नो आर्मी है एस्टेब्लिशमेंट है सारे लोगों ने एजेंसीज ने मिल के पाकिस्तान को एक सेफ हेवन बनाया, और एक छोटी सी एक मुल्क की एक क्रिकेट टीम की वजह से पाकिस्तान को पूरे पाकिस्तान दुनिया में फिर जगरसाई हुई और लोगों ने क्वेश्चन मार्क अब रख दिए हैं, तो इसके ऊपर पाकिस्तान को एक सीरियस अपना स्टांस जो है वो दिखाना पड़ेगा। फिर 13 सितंबर को मैच शुरू होने से चार दिन पहले एडिशनल आईजी रावलपिंडी ये सर्कुलर जारी करते हैं, और वो सर्कुलर सोशल मीडिया पर कैसे आया है उसमें ये कह रहे हैं कि जनाब न्यूजीलैंड की टीम को खतरा है, 4 दिन पहले। अच्छा। ये मौजूद है, ये लेटर हमारे पास मौजूद है सही। और वो इस खतरे का इजहार कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड की टीम को खतरा है, और ये भी कह रहे हैं कि इमाम हुसैन के चेहरों पर भी खतरा है और उस पर भी हमला हो सकता है। वजीर आजम ने कल कहा कि अफगानिस्तान से जो हमें खतरा दरपेश थे वो अब भी मौजूद हैं, तो अगर वो खतरा तो अब भी मौजूद हैं, और इन तमाम चीज़ों को मिलाकर अगर कोई देखेगा कोई भी शख्स देखेगा तो क्या नतीजा खर्च करेगा। फिर ये आपका ये सर्कुलर जो टॉप सीक्रेट होना चाहिए था ये सोशल मीडिया पर क्यों गर्दिश कर रहा है, जगह जगह पर क्यों आप दिखा रहे हैं कि सोशल मीडिया में ये कहा जा रहा है, और एन उस वक्त अगर टीम ने अभी ये फैसला नहीं किया है उससे पहले ये लेटर अगर गर्दिश करेगा कि रावलपिंडी के एडिशनल आईजी का लेटर है ये सर्कुलर है ये कि खतरा मौजूद है निजी डैम की टीम के लिए, तो निजी डैम की टीम क्या जानकर रिस्क लेगी। हमें तकलीफ है, हमसे तो सारा कुछ छीन लिया गया, हमारा स्पोर्ट्स की एक्टिविटी नहीं हो रही है, हमारी क्रिकेट नहीं हो रही है, हमारी हॉकी नहीं हो रही है, हमारी फुटबॉल नहीं हो रही है, हमारे बच्चे मैदान में नहीं जा रहे हैं, खेल नहीं हो रहे हैं, हमारे यहाँ कंसर्ट नहीं हो रहे। आप जाएं ढाका फेस्टिवल को देखें, हमारे लोगों के लिए कोई इंटरटेनमेंट नहीं है, ना पार्क में जाते हैं क्योंकि खतरा है, ना खेलों के मैदान में जाते हैं क्योंकि खतरा है, ना इंडोर गेम्स होते हैं क्योंकि खतरा है, ना फिल्म देखने जाते हैं क्योंकि खतरा है, ना थिएटर होता है यहाँ पर क्योंकि खतरा है। पूरे के पूरे पाकिस्तान में एक ड्रामा होता है 14 अगस्त 14 अगस्त 14 अगस्त 14.5 अगस्त और 13.5 अगस्त, इस तरह के ड्रामे जो हैं वो हर साल होते हैं, इसलिए कि बस अनवर मकसूद ये इंटरटेनमेंट वो भी बड़े शहरों में, यानी लोग जाकर लाहौर में देखते होंगे, कराची में देखते होंगे। आपके यहाँ ड्रामा ख़त्म हो गया है, थिएटर ख़त्म हो गया है, आपके यहाँ कुछ नहीं होता है।